Hello student, today I am going to explain you the remaining part of organism and population. Strategies of adaptation in animals. Animals अलग climatic condition में geographical condition में रहते हैं, तो उन animals में उस specific atmosphere के लिए अपने आप को adapt करना जरूरी होता है, तो अपने आप को adapt करने के लिए अलग अलग strategies को use करते हैं. तो कुछ एनिमल्स अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं, तो उसको बिहेवियरल एडॉप्टेशन कहते हैं. सम एनिमल एडॉप्ट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय द चेंजिंग देयर बिहेवियर. कुछ एनिमल्स होते हैं अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं, उसके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं. जैसे एस्टिवेशन, इसको समर स्लीप भी कहा जाता है. स्टेट ऑफ टॉर्पर और इनएक्टिविटी ऑफ एनिमल that take place during the hot dry period as in summer is called estivation. Kuch animals jo hote hain summer season mein inactive ho jate hain, to us process ko estivation kehte hain ya summer sleep kehte hain. Example, endothermic animal ground squirrels of southwest desert. To avoid dry hot period of the day, inactive or torpid state in burrows. तो जो साउथ वेस्ट डेजर्ट होता है, तो गर्मी के दिनों में वहां क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो स्क्विरल कहाँ चली जाती है, बोरोज में चली जाती है और इनएक्टिव हो जाती है, मतलब एस्टिवेशन में अपने आप को एडॉप्ट कर लेती है. इसके बाद आता है कैमोफ्लेज, छद्मावरण. The ability of organism to blend with the surrounding and background is called camouflage. कुछ organism अपने आप को surrounding के according change कर लेते हैं, जो background होती है इसके according अपने आप को change कर लेते हैं, इस process को camouflage कहते हैं. Example, elephant, lion, tiger, panther, camel, etc. have a coloration and marking which make them conspicuous in their surrounding. जो elephant होता है, lion होता है, tiger होता है, panther होता है, ये अपने आप को, इनकी बॉडी का कलर जो होता है, इनके ऊपर जो मार्क्स होते हैं, उसके कारण ये सराउंडिंग में छिप जाते हैं. अदर एग्जांपल, स्टिक इंसेक्ट और वॉकिंग इंसेक्ट. ये जो इंसेक्ट होता है सूखी लकड़ी के समान होता है, तो ये जब चलता है सूखी लकड़ी के ऊपर तो दिखाई नहीं देता है, मतलब ये सराउंडिंग से पूरी तरह से मिक्स हो जाता है. लीफ इंसेक्ट, लीफ इंसेक्ट जो होता है सूखी पत्ती के समान होता है, जब सूखी पत्ती में ये होता है तो आसानी से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. प्रेइंग मेंटिस, ये ग्रीन कलर का होता है, जिसके कारण एक ग्रीन कलर की जो लीव्स होती है उसमें विजिबल नहीं होता. डेड लीफ बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई होती है वो सूखी पत्ती के समान हो जाती है, और सूखी पत्ती के समान उसका स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है कि आसानी से इनके शत्रुओं को पहचान में नहीं आती. नेक्स्ट वन, मिमिक्री. इट इज द रिसेंबल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद अदर ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के समान अपना फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, उसके समान बिहेवियर करने लगता है. एन ऑर्गेनिज्म दैट बियर द रिसेंबल इज कॉल्ड मिमिक. जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के समान बिहेवियर करता है उसको मिमिक कहते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म की नकल की जाती है उसको मॉडल कहा जाता है. एडवांटेजेस, इस मिमिक्री के कारण वो अपने आप को प्रे से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इनके शिकारियों से अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं. इसके अलावा ये अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता करते हैं. नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ मिमिक्री. तो मिमिक्री होती टू टाइप्स की होती है, एक बेटेसियन मिमिक्री होती है, दूसरी मुलेरियन होती है. जिस साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था उसके नाम पर इनके टाइप्स दे रखे हैं, बेटेसियन तथा मुलेरियन. Batesian mimicry is a type of mimicry in which the mimic is palatable and defenseless. It resembles to dangerous and unpalatable model due to the presence of toxins and irritating compounds, so that predator does not prey upon it. तो इसके अंदर जो mimic होता है वो palatable होता है, मतलब कैसा होता है, इसका जो flesh वगैरह होता है वो खाने योग्य होता है, लेकिन ये अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, तो ये अपना जो चेंज और लुक होता है वो चेंज कर लेता है. किसके समान होता है, डेंजरस
ऑर्गेनिज्म के समान अपने लुक को चेंज कर लेता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म का लुक को चेंज करता है जिसका जो फ्लेश होता है वो इटेबल नहीं होता है। तो इस तरह की जो मिमिक्री होती है उसको बेटेसियन मिमिक्री कहते हैं, और ये पाई जाती है विसोरी बटरफ्लाई के अंदर। अब विसोरी जो बटरफ्लाई होती है वो अनपैलेटेबल टॉक्सिन मोनार्क बटरफ्लाई का जो फिजिकल अपीयरेंस उसके समान हो जाती है। जो विसोरी बटरफ्लाई होती है इसका जो फ्लेश होता है बहुत कैसा होता है, स्वीट होता है, तो इसके जो प्रे होते हैं इसको आसानी से खा जाते हैं, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस करने के लिए दूसरी बटरफ्लाई के समान बन जाती है। दूसरी बटरफ्लाई है मोनार्क बटरफ्लाई। जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है इसका जो फ्लेश होता है वो टॉक्सिन युक्त होता है, तो अपने आप का जो फिजिकल अपीयरेंस उसके समान कर लेती है। नेक्स्ट वन मुलेरियन मिमिक्री। इट इज अ टाइप ऑफ मिमिक्री इच इन्वॉल्व द म्यूचुअल रिसेम्बलेंस ऑफ टू डेंजरस एनिमल्स सो एज द इनहेंस देयर चांस टू नॉट बींग प्रेड। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस एडॉप्ट कर लेता है जो कि डेंजरस होता है, जिससे इनके प्रे आते हैं तो देखते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि डेंजरस एनिमल है, उसको छोड़कर चले जाते हैं। तो एग्जांपल है मोनार्क बटरफ्लाई एंड गिंट क्वीन बटरफ्लाई। हाइबरनेशन विंटर स्लीप। अब ये एस्टिवेशन आपने देखा था वो समर स्लीप था। कुछ एनिमल समर सीजन में इनएक्टिव हो जाते हैं तो उसको एस्टिवेशन कहते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स जो होते हैं विंटर सीजन में इनएक्टिव हो जाते हैं तो उसको हाइबरनेशन या विंटर स्लीप कहते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में छिपकली ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन ठंड के दिनों में छिपकली नहीं दिखाई देती, तो छिपकली ऐसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है या इनएक्टिव हो जाती है, तो उसको विंटर स्लीप कहा जाता है। माइग्रेशन मीन्स टू ट्रांसफर। इट इज टू वे मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ होल पॉपुलेशन फ्रॉम एंड एंड एरिया फॉर फूड एंड फेवरेबल शेल्टर एंड क्लाइमेट। जो इंडिविजुअल होते हैं किसी पॉपुलेशन के, जो इंडिविजुअल होता है इनका टू वे मूवमेंट होता है, यहाँ से वहाँ जाना और वहाँ से वापस से अपनी जगह पे आ जाना। तो ये मूवमेंट क्यों करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं, ट्रांसफर क्यों करते हैं, तो फूड के लिए करते हैं, फेवरेबल शेल्टर के लिए करते हैं या सुटेबल क्लाइमेट के लिए करते हैं। तो ये जब उनको फूड मिल जाता है तो वापस अपने पॉपुलेशन में आ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को माइग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। जो थ्री टाइप का होता है, डेली माइग्रेशन होता है, पीरियोडिकली होता है और सीजनल होता है। जो डेली माइग्रेशन होता है, डेली मूवमेंट ऑफ एनिमल्स सच एज बर्ड फ्रॉम देयर शेल्टर एरिया टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। जो बर्ड्स होते हैं भोजन की खोज में अपने घोंसलों से निकलकर दूर तक जाते हैं, और जब इनको भोजन मिल जाता है तो वापस अपने घोंसलों में आ जाते हैं, तो इस माइग्रेशन को डेली माइग्रेशन कहते हैं। पीरियोडिक माइग्रेशन। दिस काइंड ऑफ माइग्रेशन ऑकर्स आफ्टर इंटरवल व्हेन द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैव इंक्रीज द बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हैबिटेट। दे आर फाउंड इन द एरिड एरियाज। Population continuously grow due to the its habits get depleted of food. ऐसी population जिसमें organism continuously क्या कर रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वहाँ पे food की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो वहाँ पर जब food की कमी हो जाती है तो वहाँ के organism दूसरी जगह चले जाते हैं food की खोज में। तो ये periodically होता है, daily नहीं होता है। जब food की कमी होगी तो यहाँ के organism जो होंगे, population के जो organism होंगे, फूड के लिए दूसरी जगह पे जाएंगे, लेकिन जब फूड की कमी होती तो और वापस आ जाते हैं, तो इसको पीरियोडिक माइग्रेशन कहते हैं। इसके बाद सीजनल माइग्रेशन। सीजन में क्या होता है, जैसे कुछ फॉरेन के बर्ड इंडिया में आते हैं क्योंकि फॉरेन में उनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल नहीं होती, तो वो अपने सुटेबल कंडीशन को एडॉप्ट करने के लिए, ऑप्टेन करने के लिए वो कहाँ आ जाते हैं, इंडिया में। यहाँ उनको सुटेबल कंडीशन मिलती है, जब तक यहाँ की इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल होगी तब तक यहाँ रहेंगे, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी तो वापस से वो माइग्रेट करके कहाँ चले जाएंगे, उनके हैबिटेट पे चले जाएंगे। तो सीजन के अकॉर्डिंग जो माइग्रेशन होता है वो सीजनल माइग्रेशन होता है। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन एंड शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन। जो सी बर्ड होते हैं आर्कटिक एरिया के,
वो 17,600 किलोमीटर तक हर साल में माइग्रेट करते हैं। और इसके बाद जो बर्ड लाइक जो साइबेरियन क्रो होते हैं, टील होते हैं, वेटटेल होते हैं, वो बहुत कम दूरी के लिए माइग्रेट करते हैं। इसके बाद आता है इकोलोकेशन। इट इज अ मेथड यूज टू सम एनिमल टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट इन डार्क। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंधेरे में अपने भोजन को ढूंढने के लिए इको साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे डॉल्फिन और बैट्स जो चमगादड़ होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करती है, उसको इको साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब इको साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो रास्ते में जो इनका फूड होता है वो उससे टकरा के वापस आता है। तो जब वो फूड से टकरा के वापस इको साउंड इनके पास आता है तो इनको पता चल जाता है कि इनका फूड कहाँ है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इको लोकेशन कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सोनार पर वर्क करता है। वार्निंग कलरेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना कलर चेंज करके वार्निंग देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पास्मेटिक कलरेशन। इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव कलरेशन और काउंसलिंग फॉर्म द एंड कलरेशन विच एनेबल द स्पीशीज टू अवॉइड द नेचुरल प्रेडेटर। अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए अपना जो कलर होते हैं चेंज कर लेते हैं। इस प्रोसेस को वार्निंग कलरेशन कहते हैं। जैसे डार्ट फ्रॉग फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका इज नॉट ओनली हाईली पॉइजनस बट ऑल्सो ब्राइटली कलर्ड। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो ड्रिट फ्रॉग पाया जाता है उसका जो कलर होता है ब्राइट होता है। दे आर इजिली नोटिस बट अवॉइडेड बाय प्रीडेटर। इनके जो प्रीडेटर होते हैं वो उससे उसको अवॉइड कर देते हैं क्योंकि इनका जो कलर होता है ब्राइट होता है। एडॉप्टेशन इन एनिमल टू वाटर स्कार्सिटी। ऐसे एनिमल जो कि ऐसी जगह पे रहते हैं जब पानी की कमी होती है तो अपने आप को किस तरह से एडॉप्ट करते हैं। दिस एनिमल शो द टू टाइप्स ऑफ एडॉप्टेशन। तो ये एनिमल्स जो होते हैं दो प्रकार के एडाप्टेशन को शो करते हैं। एबिलिटी टू टॉलरेट एरिड कंडीशन, एबिलिटी टू रिड्यूस वाटर लॉस एज मच एज पॉसिबल। तो जो एरिड कंडीशन होती है, जो वाटर की स्कार्सिटी जहां होती है तो उसको अवॉइड करते हैं, टॉलरेट करते हैं, या अपने अंदर जो वाटर है उसको कम से कम लॉस होने देते हैं। एग्जाम्पल कंगारू रेट। इट फीड ऑन ड्राई शीट एंड शेल्डम ड्रिंक वाटर। ये सूखे बीज खाता है और कभी कभार क्या होता है पानी पीता है। टेन % ऑफ इट्स वाटर रिक्वायरमेंट इज मीट फ्रॉम फूड एंड रिमेनिंग 90% वाटर इज मीट फ्रॉम द मेटाबॉलिक वाटर। इनमें 100% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो 10% इनको मिलता है वो फूड से मिल जाता है और 10% इनको जो वाटर मिलता है उसके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से जो वाटर होता है वो मिलता है। इट कंजर्व वाटर बाय द एक्सक्रीटिंग द नियरली सॉलिड यूरिन। अब ये वाटर को कंजर्व कैसे करता है, जो इसका जो यूरिन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और फिसेस जो होता है वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है। एंड कैन लिव थ्रू आउट द लाइफ विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। और ये जिंदा रह सकता है बिना पानी पिए जीवन भर। नेक्स्ट वन कैमल। इट शो द नंबर ऑफ एडाप्टेशन टू डेजर्ट कंडीशन। जो ऊंट होते हैं जो मरुस्थल में रहने के लिए अपने आप को इस तरह से एडॉप्ट कर लेते हैं। इकोनॉमिकल वाटर कंजम्पशन। ये जितनी जरूरत होती है उतने वाटर का कंजम्पशन करते हैं। टॉलरेंस टू फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर। जो डेजर्ट में टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है, टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। नो स्वेटिंग टिल बॉडी टेम्परेचर राइज टू 55 to 66 डिग्री सेल्सियस। जब तक कि टेम्परेचर 55 to 66 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए इनमें पसीना नहीं निकलता। टॉलरेंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड स्टीम मॉइस्चराइज्ड बाय द बॉडी सेल्स। ये डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को टॉलरेट कर देते हैं। जो सेल्स होती है जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर वाटर होता है उससे अपने आप को मॉइस्चर कर लेती है। एक्सक्रीशन ऑफ ड्राई फिसेस इन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन।
इनका जो फिकल मटेरियल होता है वो बहुत ड्राई होता है और जो यूरिन होता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस यूरिन ड्यूरिंग द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जहाँ पर इनको पानी नहीं मिलता वो यूरिन को पास आउट नहीं करते। कैपेसिटी ऑफ क्विक रिहाइड्रेशन विद इन 10 मिनट्स व्हेन वाटर इज अवेलेबल इन प्लेंटी। जहाँ इनको कहीं पानी मिलता है तो 10 मिनट के अंदर ही अपने आप को रिहाइड्रेट कर लेते हैं, मतलब वाटर इतना स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। एडाप्टेशन टू कोल्ड, एनिमल शो एडाप्टेशन अगेंस्ट एक्सेसिव कोल्ड कंडीशन। तो जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है तो उसके अगेंस्ट में एनिमल अपने आप को एडाप्ट कर लेते हैं। तो उनमें एडाप्टेशन क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ थिकर फर, उनके ऊपर जो बाल होते हैं बहुत मोटे होते हैं। डिपोजिशन ऑफ थिक सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ फैट, फैट की जो लेयर होती है बहुत मोटी होती है जिससे इनको ठंड कम लगती है। हाइबरनेशन, अगर ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो इनएक्टिव हो जाते हैं और ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरीफेरल ब्लड वेसल्स, जो मेन ब्लड वेसल्स होती है उसके साथ साथ पेरीफेरल किनारों की तरफ भी ब्लड वेसल्स को फॉर्म कर लेते हैं जिससे ब्लड जो होता है इनका गर्म होता है और इनकी बॉडी जो वार्म रहती है। नेक्स्ट वन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इंटरडिपेंडेंस और सिम्बायोटिक इंटरेक्शन, इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पॉजिटिव इंटरेक्शन भी होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव के अंदर कॉमन सेलिज्म है, प्रोटो कोऑपरेशन और म्यूचुअलिज्म है, और नेगेटिव के अंदर कंपटीशन है, एक्सप्लॉयटेशन है, प्रेडेशन और एंटीबायोसिस है। पॉजिटिव इंटरेक्शन, इन दिस टाइप दोस टाइप ऑफ इंटरेक्शन आर कंसिडर्ड इन विच द बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर म्यूचुअली इन्वॉल्व टू हेल्प ईच अदर। इस टाइप का जो इंटरेक्शन होता है उसके अंदर जो दो स्पीशीज होती है जो एक दूसरे के साथ रहती है वो दोनों एक दूसरे की मदद करती है। तो ऐसा जो इंटरेक्शन होगा पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है। इसके थ्री टाइप्स है, कॉमन सेलिज्म, प्रोटो कोऑपरेशन, म्यूचुअलिज्म। तो सबसे पहला आता है कॉमन सेलिज्म। इन दिस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन ऑकर्स बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के बीच का ये इंटरेक्शन होता है। Which one species benefited, other is neither benefited nor harm। जिसमें एक species को तो लाभ होगा दूसरे से, लेकिन दूसरी species को लाभ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो पहली species के लिए harmful नहीं होगी। Example, lianas। Woody climber are called lianas। जो woody climber होते हैं जिसके जो stem होते हैं erect नहीं होते, तो लियानास टेक हेल्प द अदर प्लांट टू सपोर्ट टू क्लाइंब अप। तो लियानास दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेकर क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ क्लाइंब करने लगती है। लेकिन वो जो लियानास होती है दूसरे प्लांट को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देती है। तो ये दो प्लांट के बीच का इंटरेक्शन है जिसमें एक प्लांट को बेनिफिट मिल रहा है दूसरे से, लेकिन दूसरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का जो इंटरेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, कॉमन सेलिज्म। Epiphytes, the autotrophic plant growing on other trees or their branches by taking shelter only called epiphyte। जब एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है तो उसको epiphyte कहते हैं। They are capable of manufacturing their own food। तो ऐसा प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है, तो जो प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है उसके अंदर फूड को फॉर्म करने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं। दे आर क्लोरोफिलस एंड पजेस टू टाइप्स ऑफ रूट्स। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसमें टू टाइप्स की रूट्स होती है, एक एरियल रूट्स होती है, दूसरी क्लींजिंग रूट्स होती है। जो क्लींजिंग रूट्स होती है वो दूसरे प्लांट के ऊपर चिपकने में मदद करती है, जो एरियल रूट्स होती है वो नीचे की तरफ लटकती है जो एयर से मॉइस्चर को गेन करती है, और मॉइस्चर को गेन करती है तो उसके द्वारा वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड को फॉर्म करते हैं। सम प्लांट आल्सो लिव ऑन एनिमल आर कॉल्ड एपिजोन्स। कुछ प्लांट जो होते हैं एनिमल्स के ऊपर ग्रो करते हैं, इनको एपिजोन्स कहते हैं। एग्जांपल दे रखा है ग्रीन एल्गा दैट ग्रो ऑन द लॉन्ग
क्रूड हेयर ऑफ स्लोथ। जो स्लोथ होता है उसके ऊपर क्या होता है कि बहुत लॉन्ग हेयर्ड होते हैं, उनकी जो ग्रू होती है, दरारें होती है, उसके अंदर जो ग्रीन एल्गा ग्रू करने लगता है। सिंस दिस एल्गा ऑफन बिकम्स क्वाइट अबंडेंट टू गिव द एनिमल अ ग्रीनिश अपीयरेंस। तो स्लोथ के ऊपर ये एल्गा जब बहुत ज्यादा ग्रो कर लेता है तो स्लोथ का जो कलर होता है ग्रीनिश हो जाता है। स्लोथ प्रिजम्पली डिराइव्स सम एडवांटेजेस इन कंसीलमेंट एज इट स्लीप ऑन द ट्री टॉप्स। तो स्लोथ को इसका एक एडवांटेजेस मिलता है, कलर इसका ग्रीन होने के कारण ये ट्री का जो टॉप होता है उसके ऊपर आसानी से स्लीप करता रहता है, जिससे दूसरे एनिमल्स जो होते हैं इसको, इसके जो प्रेडेटर्स होते हैं इसको पहचान नहीं पाते और ये बच जाते हैं। सम अदर एग्जांपल ऑफ एपिजोन्स इन ह्यूमन बीइंग, इनॉर्मस ई कोली बैक्टीरिया सेल्स आर फाउंड ऑन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। अपनी जो इंटेस्टाइन होती है उसकी वॉल में ई कोली बैक्टीरिया होता है जो अपने को कोई हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करता है। प्रेजेंस ऑफ ग्रीन एल्गी ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ पॉलिप्स, जो पॉलिप्स की बॉडी सरफेस होती है उसके ऊपर ग्रीन एल्गी ग्रो करते हैं। शक्कर फिश एंड शार्क, जो शार्क मछली होती है उससे जुड़ी हुई होती है नीचे की तरफ छोटी मछली, जिसको शक्कर फिश कहते हैं। लिमिटेशंस, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली टू लाइटर एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक मासेस अप टू 40। तो न्यूलैंड्स का जो लॉ था, ऑक्टेव लॉस था, वो केवल एप्लीकेबल होता है उन एलिमेंट्स के लिए जो कि लाइटर होते हैं, जिनका एटॉमिक मास केवल कितना होता है, 40 होता है। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास 40 के ऊपर होगा तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है और फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर नहीं होती है। इफ वी स्टार्ट द क्रोमियम, अपन स्टार्ट करेंगे क्रोमियम से जो कि फर्स्ट एलिमेंट है, उसके बाद अगर काउंट करेंगे तो जो एट्थ एलिमेंट होगा वो होगा इट्रियम। तो जो क्रोमियम होता है और इट्रियम होता है, दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, तो वहां ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकेंड लिमिटेशन, इट वॉज अज्यूम बाय द न्यूलैंड्स दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर। जब न्यूलैंड्स ने रूल दिया था उस समय केवल नेचर के अंदर 56 एलिमेंट्स थे, और उसने ऐसा नहीं सोचा था कि फ्यूचर में भी कुछ और न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स, लेकिन बाद में कुछ और एलिमेंट्स को डिस्कवर्ड किया गया था। वर डिस्कवर हुज प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बाद में जो एलिमेंट्स मिले थे उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो एप्लीकेबल नहीं होती थी ऑक्टेव लॉस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी ये रूल फेल हो गया।